दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू क्रिकेट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स एनालिसिस टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक जरूर बना रहे। अब अगर बात करते हैं जहाँ पे सीरीज के दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया, 22 के चलते अफ्रीका को कम टारगेट मिला जो उसने आसानी से चेस कर लिया और सीरीज में एक की लीड भी ले ली। अब भारत को अगर सीरीज टाई करवाना है तो लास्ट में जीतना ही होगा। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए यह सीरीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सीरीज के तीसरे T20 की जो कि खेला जाएगा 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के वंडर स्टेडियम में। यह T20 सीरीज का लास्ट मैच होगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जहां पर वंडर के पिच फास्ट बॉलिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है और काफ़ी सूटेबल भी है, जिसमें सिम्स बॉलर और स्पिनरों को ब्रेक थ्रू मिल रही है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है और बारिश की संभावना है। टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। टॉस प्रिडिक्शन देखते थे, यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम को पहले फील्डिंग कर सकती है। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल मैच 25 खेली है, जहाँ पे इंडिया 13 मैच जीत कर आ रही है तो ही साउथ अफ्रीका 11 मैच जीत के आ रही है। अब अगर पढ़ते हैं चलते हैं टीम इंडिया का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैच में टीम इंडिया की ओपनिंग बुरी तरह फ्लॉप थी। ओपनिंग में बात करें तो जहाँ पे यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल दोनों ने 0 रन बनाकर आउट हो गए। नंबर 3 पर तिलक वर्मा को मौका मिला लेकिन वह भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। टीम के मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कैप्टन सूर्या ने 56 रन की इनिंग खेली और टीम के लिए बेस्ट दिया। फिनिशर की बात करें तो जहां पर रिंकू सिंह ने जिन्होंने अपने कैरियर का पहला 50 मारा और टोटल 39 बॉल में 68 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में टीम की बॉलिंग काफ़ी वीक दिखी। फास्ट बॉलर की बात करें तो जहां पर अर्शदीप बहुत महंगे पड़े, विकेट भी नहीं ले सके। अगर वहीं मुकेश कुमार की बात करें तो जहां पर 2 विकेट मिला लेकिन उन्होंने भी काफ़ी रन पिटवा दिए। मोहम्मद सिराज ने 9 विकेट के इकोनॉमिक में बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लिया। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पर जडेजा इफेक्टिव दिखे, कुलदीप ने बेस्ट बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लिया। जडेजा सीरीज की टीम के वाइस कैप्टन है। वहीं रवि बिश्नोई इस मैच में टीम से बाहर, अगले मैच में उन्होंने मौका मिल सकता है, वो टीम के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पर सूर्य कुमार यादव है, रिंकू सिंह है और मुकेश कुमार है। बात करते हैं दूसरी टीम साउथ अफ्रीका का टीम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने लास्ट गेम में गुड परफॉर्मेंस दिया और मैच को इजीली जीत लिया। बैटिंग में टीम के ओपनर रिजा हेंड्रिक्स एंड मैथ्यू बेट्स की जोड़ी टीम को बेस्ट स्टार्ट दिया। रिजा हेंड्रिक्स ने 39 रन बनाए। वहीं कैप्टन मकराम ने भी 30 रन की अच्छी इनिंग खेली। मिडिल ओवर में देखें तो काफ़ी सूटेबल नज़र आ रहा है, जिसमें हेनरी क्लासन है, एक्सपीरियंस प्लेयर डेविड मिलर है। टीम के एक्सपेक्टर क्रिस्टियन स्टफ्स ने जिन्होंने लास्ट मैच में फिनिश किया, फेलिप क्वाय भी बैटिंग कर सकते हैं, उन्होंने लास्ट मैच में दिखा दिया। बॉलिंग टीम की बहुत अच्छी रही, गिराल कोट जी टीम के टॉप परफॉर्मर जिन्होंने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं बॉलिंग में मेन बॉलर मार्को जैनसन लास्ट मैच में थोड़ा सा महंगा रहे, लिजार्ड विलियम इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। वहीं अगर स्पिन डिपार्टमेंट में बात करते जहां पे एक्सपीरियंस तबरेज शम्सी एंड कैप्टन मकराम ने 1-1 विकेट दोनों यहां भी टीम को लीड करेंगे। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो जहां पे एडम मकराम है, जिराल कोट जी और डेविड मिलर है। दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर इंडिया होगा, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।